नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूँ आपका। अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। अक्सर अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हो तो आपने सुना होगा संतान उत्पत्ति के बारे में कि मेरी कुंडली के अंदर क्या योग बनते हैं, पुत्र के योग बनते हैं या पुत्री के योग बनते हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बहुत आज के टाइम में कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं संतान को लेके। तो वो कैसे समझें हम कि कुंडली को लेके संतान में दिक्कत है या नहीं है, और अगर दिक्कत है तो किस तरह के आप उपाय कर सकते हैं ताकि संतान उत्पत्ति में आपको दिक्कत ना हो, यही मैं आपको सरल तरीके से समझा रहा हूँ। हालांकि इस विषय में मैंने बताया हुआ है संतान उत्पत्ति में पुत्र या पुत्री के योग कैसे बनते हैं, उपाय भी बताएं, पर थोड़ा और डेप्थ में आपको समझ में आ जाए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सरल तरीके से आज हम चर्चा करेंगे इस विषय के ऊपर। देखिए, ये लगन कुंडली है, चार लिखा है, तो ये आप इसको लगन कुंडली समझिए, चंद्र कुंडली नहीं। तो लगन कुंडली का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, चंद्र कुंडली को नहीं देखेंगे, लगन कुंडली को देखेंगे। तो ये चार लिखा है कर्क लगन की कुंडली। लगन कोई भी हो सकती है, 1 से लेके 12 कोई भी हो सकती है। तो ये कर्क लगन की कुंडली है और आपको सिर्फ पंचम भाव को देखना है कि पंचम भाव में कौन सी राशि है और उसके राशि के स्वामी की क्या कंडीशन है और कौन से ग्रह पंचम भाव को देख रहे हैं या बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से फिर हम रेमेडी करेंगे। तो यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो पांचवा भाव होता है वो संतान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत से ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग पंचम भाव से पहला भाव, सप्तम भाव से दूसरा, नवम भाव से तीसरा देखा जाता है, 11वें भाव से चौथा संतान देखा जाता है। पर ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचम भाव से जितने ग्रह, एक दूसरा सूत्र जो है और जो कि ज्यादा जिसमें एक्यूरेसी है, पंचम भाव में जितने ग्रह बैठेंगे या पंचम भाव से जितने ग्रह दृष्टि डालेंगे यानी पंचम भाव से जितने ग्रह संबंध बना लेंगे, उससे ही पूर्ण रूप से संतान उत्पत्ति के बारे में, संतान कितनी होगी या संतान पुत्र होगा या पुत्री, उससे हम समझ सकते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, सूर्य गुरु मंगल, सूर्य गुरु मंगल ये पुत्र के कारक होते हैं। इसी प्रकार शनि चंद्रमा और शुक्र ये पुत्री के कारक होते हैं। तो पंचम भाव में सूर्य का बैठना तो यानी पुत्र के कारक हुआ, फिर गुरु ने भी यहां पे दृष्टि डाल दी तो पुत्र के कारक हुआ। वैसे तो मंगल भी दृष्टि डाल रहा है तो कहीं ना कहीं पुत्र के पूर्ण रूप से कारक बनता है इस कुंडली के। ये उदाहरण कुंडली किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली नहीं है, आपको समझाने के लिए बनाई है। तो पंचम भाव में संतान कारक, पुत्र कारक जो ग्रह हैं वो दृष्टि डाल लें तो ये पुत्र के योग बनते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ग्रह तो दृष्टि डाल लें तो पुत्र के कारक बनते हैं, पर कभी कभी पुत्र में प्राप्ति में या पुत्र उत्पत्ति में दिक्कत आती है। वो इस वजह से पंचम भाव के जो स्वामी है अगर वो 6, 8, 12 में बैठ जाए, वो नीच के हो जाए, जैसे मंगल अगर कर्क राशि में आके बैठ जाए तो यहाँ पे जो है वो संतान उत्पत्ति में दिक्कत पैदा कर देंगे। तो कहीं ना कहीं संतान को लेके कष्ट होगा, या तो दिक्कतें आएंगी या नहीं होगा। पर ऐसा नहीं कि आप सोचो कि संतान नहीं होगी, उसके लिए एक सूत्र हो रहा है। ऐसी स्थिति में फिर आप गुरु को देखें क्योंकि गुरु भी संतान कारक माना जाता है। अगर पंचमेश 6, 8, 12 में है और गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, तो अगर गुरु जैसे यहाँ पे अपनी खुद की राशि में बैठा तो घबराने वाली बात नहीं, संतान में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आ सकती हैं पर संतान आपको होगी ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं, पंचम भाव को भी देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक हो सकता है कि किसी एक संतान में दिक्कत आए या कुछ परेशानी आए, पर संतान यहाँ पे हो जाती है। हालांकि पंचमेश अगर बहुत अच्छी स्थिति में है और गुरु की भी स्थिति बहुत अच्छी है तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं आती, अच्छे संतान के योग बनते हैं। और अगर शुभ ग्रह अगर पंचम भाव में बैठ जाते हैं तो और शुभ स्थिति बन जाती है। इसी के विपरीत अगर पंचम भाव के स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए या पंचमेश नीच के हो जाए, जैसे पंचमेश मंगल है वो कर्क राशि में आके बैठ जाए, और गुरु भी खराब हो जाए नीच के या 6, 8, 12 में बैठ जाए, तो संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर कुंडली के अंदर पंचम भाव को अगर पाप ग्रह देख ले या पाप ग्रह बैठ जाए या पाप ग्रह दृष्टि डाल दे, या पंचमेश पे अगर कमजोर है और पाप ग्रह उन पर दृष्टि डाल दे, या पंचमेश अस्त है और पाप ग्रह उन पर दृष्टि डाल दे, तो भी कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है। तो पंचमेश की क्या कंडीशन है, उनका क्या प्लेसमेंट है और गुरु की क्या स्थिति है, इन्हीं को देख के हम सब चीजें निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ अगर ये गड़बड़ है तो आप डी चार्ट का भी सहारा ले सकते हैं, उसमें भी अगर वो अच्छा है
और डी लगन कुंडली में पंचम भाव की या पंचमेश की अच्छी स्थिति नहीं है, गुरु की स्थिति नहीं है, तो आप डी चार्ट का सहारा ले लीजिए। अगर उसमें स्थिति अच्छी है तो कहीं ना कहीं फिर भी आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिए ऐसे में क्या करें, अगर पंचमेश गड़बड़ है, मंगल गड़बड़ है, तो आप मंगल के बीज मंत्र करें। मंगल अगर अस्त है तो आप मूंगा पहन सकते हैं। यहां पे मैं कर्क लगन की कुंडली की बात कर रहा हूं, अलग अलग लगन में अलग अलग ग्रह, अलग अलग ग्रह अलग अलग चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो यहां पे इस चीज को आप देखें, मंगल के बीज मंत्र करना अत्यंत शुभ रहेगा। गुरु अगर कमजोर है त्रिक भाव में तो बृहस्पति के बीज मंत्र करें। गुरु अगर त्रिक भाव में है तो बृहस्पति के चने की दाल का दान करें। कोई अगर अशुभ ग्रह यहां पे बैठ गया, सपोज करो यहां पे शनि ही आके बैठ गए, शनि का आप दान करें, सरसों के तेल का दान करें, शनि का बीज मंत्र करें। और पंचमेश अगर कहीं पे कमजोर होके बैठे हैं तो उसका आप बीज मंत्र करें, उसका आप रतन धारण करें। तो दोस्तों ऐसा करके कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो उससे आपको बचा जा सकता है। यानी पंचमेश और गुरु इन दोनों को आप मजबूत करें, इन दोनों के आप उपाय करें। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।